कदाचित कोई आ रहा है। अवश्य ही कोई मेरे स्वामी का संदेश लाया होगा। ये तो अनला है, महाराज विभीषण की पुत्री। देवी सीता, पिताश्री महाराज का राज्य अभिषेक हो गया है। वो प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने गए हैं। और स्वामी श्री राम ने भी तो कोई संदेश भिजवाया होगा ना? प्रभु श्री राम ने तो कोई संदेश नहीं भिजवाया। प्रभु, विरह के क्षण बहुत पीड़ादायक होते हैं। मैंने देखी है माता सीता की दशा। प्रभु, और प्रतीक्षा मत कराइए उन्हें। अब तो माता सीता से आपका मिलन हो ही जाना चाहिए। हनुमान, तुम ही सीता को ढूंढने लंका आए थे। अब तुम ही मेरा संदेश देवी सीता तक पहुंचाओ। हाँ प्रभु, हाँ अवश्य प्रभु। ना जाने प्रभु श्री राम का संदेश कब आएगा। आएगा नहीं, आ गया। मेरे प्रभु श्री राम का संदेश ये तीव्र वायु के झोंके संकेत है, पवन पुत्र के आने का, मेरे पुत्र प्रिय हनुमान के आने का। प्रणाम माता। पुत्र, ले आए मेरे स्वामी का संदेश। क्या कहा उन्होंने? अवश्य ही वो स्वयं आ रहे होंगे मुझे लेने। अरे हाँ, वो स्वयं कैसे आ सकते हैं? उन्हें यहाँ आने के लिए तो लंका में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं तो प्रसन्नता के अतिरिक्त में भूल ही गई थी कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किए बिना वो यहाँ लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। स्वामी ने कोई संदेश तो भेजा होगा ना मेरे लिए। हाँ माता, प्रभु ने आपके लिए संदेश भेजा है कि कि बताओ पुत्र, बताओ। मेरी व्यग्रता मत बढ़ाओ। स्वामी ने जो भी कहा है शीघ्र मुझे बताओ। प्रभु ने कहा है कि उन्होंने रावण का वध कर दिया। अब विभीषण जी लंका के राजा हैं, अतः अब आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं माता। माता, अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप अब क्या करना चाहती हैं। मेरा निर्णय? मैं तो यहाँ रहकर भी उनसे कभी दूर नहीं थी, मात्र देह पृथक थी, परंतु हृदय में तो प्रभु श्री राम ही बसे हुए थे। हृदय से तो कभी पृथक नहीं हुए हम दोनों, ये सत्य तो मेरे स्वामी भी जानते हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? क्यों मेरे निर्णय के बारे में पूछा? क्या था तुम्हें पुत्र? माता, यही तो मैं भी प्रभु से पूछना चाहता था, किंतु संकोच वश मैं उनसे पूछ न सका। माता, अब आप ही बताइए, उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम मात्र मेरे पति परमेश्वर ही नहीं है, वो तो अयोध्या के भावी राजा भी है।
राजा को प्रत्येक कार्य अपने मर्यादा में रहकर ही करना होता है। पुत्र, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उनकी मर्यादा में भी उतनी ही सहभागी हूँ। इसलिए मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनके पास लौट जाऊं। इसी में राजा श्री राम की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा है। सत्य वचन माता। माता, तो मैं जाकर प्रभु को क्या उत्तर दूं? उनसे कहना पुत्र कि उनकी सीता की प्रसन्नता इसी में है कि वो शीघ्राति शीघ्र उनके पास लौटाए, अपने स्वामी से मिलने के लिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। उचित है माता, मैं शीघ्र ही जाकर आपके लिए नवीन वस्त्र, आभूषण एवं पालकी आदि की व्यवस्था करता हूँ माता। नहीं पुत्र, नवीन कुछ नहीं, मैं उसी रूप में मेरे स्वामी के समक्ष जाना चाहती हूँ जिस रूप में उन्होंने मुझे पंचवटी की कुटिया में छोड़ा था। उसी आभूषण पहनना चाहती हूँ जो मैंने गिराए थे और तुम्हें मिले थे। माता, वो आभूषण तो प्रभु ने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखे हुए हैं। देखा हनुमान, ऐसा है उनका प्रेम कि मेरे आभूषण को भी हृदय से लगाए रहते हैं, मेरे लिए समुद्र लांघ कर लंका आए, और पति धर्म ऐसा कि मुझ पर कुदृष्टि डालने वाले राक्षस राज रावण का वध किया। और राज मर्यादा भी देखो, मेरा निर्णय जानने के लिए तुम्हें संदेश देकर भेजा। हाँ माता। अद्वितीय है तुम्हारे प्रभु, मेरे श्री राम। हाँ माता, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो उन्होंने आपको संदेश देने के लिए मुझे चुना। हाँ पुत्र। माता, मैं शीघ्र ही आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। प्रभु, माता ने कहा है कि वो इन्हीं आभूषणों को धारण करके पूर्व वाली वेशभूषा में ही आपके समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं। उन्होंने कुछ और भी तो कहा होगा हनुमान। हाँ प्रभु, माता ने कहा है कि उनकी अर्धांगिनी सीता, जिसने एक एक क्षण उनके प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत की, वो आज अपने स्वामी के दर्शनों के लिए आतुर है, उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। यही है मेरा निर्णय। हनुमान, ये आभूषण लेकर जाओ। और दे दो सीता को।
शीघ्रता करो वानर वीरों, माता किसी भी क्षण आती होंगी। प्रभु, इस अपार हर्ष के समय जब माता से आपकी भेंट होने वाली है, आपके श्री मुख पर दुविधा के चिन्ह लक्षित हो रहे हैं। प्रभु, माता अवश्य देवी के सदृश दिखाई देती होंगी। जब प्रभु स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तो माता तो साक्षात देवी लक्ष्मी ही होंगी ना। सत्य है, तीनों लोकों में माता जैसी दिव्य कोई अन्य हो ही नहीं सकती। माता देवी के सदृश नहीं, स्वयं साक्षात देवी है। पवित्रता एवं वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है माता। जनक नंदिनी माता सीता की, जनक नंदिनी माता सीता की, जनक नंदिनी माता सीता की। सबकी दृष्टि इस ओर है, किंतु स्वामी तो इस ओर देख ही नहीं रहे हैं।
अब ऐसी कौन सी दुविधा में है मेरे श्री राम जो दृष्टि उठाकर इस ओर देख भी नहीं रहे हैं। ये मर्यादा के बंधन भी कितना विवश कर देते हैं। मेरी सीते भी सोच रही होगी कि उनके समक्ष उनकी प्राण वल्लभा इतने दिनों के पश्चात आई भी, किंतु वो उसे देख तक नहीं रहे हैं। अब भी दुविधा में है प्रभु, ये मिलन मिलन जैसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है। वो क्या है जो प्रभु और माता के मिलन में अब भी बाधा बना हुआ है? प्रणाम प्रभु। आपका सेवक विभीषण, लंका नरेश। आपकी भार्य माता सीता को पूर्ण सम्मान सहित आपको समर्पित करने हेतु लेकर आया हूं। अब तो देखिए अपनी सीता को मेरे श्री राम। प्रभु, माता आपके समक्ष हैं। आपकी एक दृष्टि के लिए व्याकुल हैं माता, किंतु प्रभु आपकी दृष्टि उनकी ओर उठ क्यों नहीं रही? जब ये देखकर आपके इस तुच्छ सेवक का हृदय फटा जा रहा है प्रभु, फिर माता के हृदय पर तो न जाने क्या बीत रही होगी। प्रभु आप मुझे बताइए कौन सी दुविधा है? बताइए ना प्रभु। सीता समकक्ष रघुराई, किंतु प्रभु नहीं दृष्टि उठाई। जा देख
देखी कपि भय अति आकुल का दुविधा मह पड़े प्रभु व्याकुल सिया राम जय हनुमान राम सिया राम जय हनुमान। अवश्य ही स्वामी के अंतश में कोई बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? जिन भाभी माँ के सम्मान की रक्षा के लिए हमने इतना सब कुछ किया, आज जब वो आपके समक्ष हैं, तो आपके नेत्र उनकी ओर क्यों नहीं उठ रहे? प्रभु, आपकी इस उपेक्षा का क्या कारण है? कोई शंका है तो बताइए प्रभु, हम सब आपकी हर एक शंका का समाधान करने को तात्पर्य हैं। हाँ प्रभु, आप कुछ तो बताइए। हनुमान पुत्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के भावी नरेश हैं, अतः उनकी राज मर्यादा ही उनकी दुविधा बनी हुई है। मेरे स्वामी ने अपने पुरुषार्थ से राक्षस राज रावण का वध करके मुझे यहाँ से मुक्त करा के स्वयं को आदर्श पति सिद्ध किया। मेरे हरण के कारण संसार में इनका जो अपमान हुआ था, मेरी रक्षा ना कर पाने का जो कलंक मेरे स्वामी पर लग सकता था, राक्षस राज रावण का वध करके स्वामी ने उसे मिटा दिया। किंतु अब एक राजा की मर्यादा ही उन्हें मेरी ओर देखने से, मुझे अपनाने से रोक रही है। मैं इतने समय राक्षस राज रावण के बंधन में रही हूं, किंतु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं। इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्र हूं। मां गंगा की भांति निर्मल हूं मैं, किंतु अयोध्या नरेश श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। यही दुविधा है मेरे श्री राम के मन में, है ना प्रभु? ये सत्य है सीते, सत्य है ये। आप मर्यादा एवं कर्तव्य में बंधे हुए राम की दुविधा समझ रही हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि संसार साक्ष्यों को ही सत्य मानता है, तभी मर्यादा स्थापित होती है। किंतु स्वामी, मैं अपने पति व्रत धर्म की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं पूर्णतः पवित्र हूं। प्रभु, माता ने पवित्रता की शपथ ली है। प्रभु, आप भी इस सत्य से अवगत हैं कि माता पूर्णतया पवित्र हैं। प्रभु, अब तो आप ये दुविधा त्यागिए।
प्रभु जिनके विच्छो में आप हर क्षण विरहकुल रहे, जिनको ढूंढने के लिए कोसों दूर आप नग्न पैर वन वन भटके। जिनके लिए आपने हम सहस्त्र वानरों को एकत्रित किया, समुद्र पर सेतु बांधा, माता का हरण करने वाले रावण का एकाकी ही वध करके उसे घोर पाप का दंड दिया। प्रभु, आज वही आपकी प्रिया आपके समक्ष है, फिर क्यों इनकी ऐसी उपेक्षा? प्रभु प्रभु, आपकी वो कोमल भावनाएं कठोर कैसे हो गई? प्रभु, एक राजा की मर्यादा भावनाओं पर नहीं, निष्पक्षता एवं साक्ष्यों की स्पष्टता पर टिकी हुई होती है। हनुमान, सीता पत्नी है मेरी, आतुर हूं मैं अपनी पत्नी को अपनाने के लिए, इनके हर कष्ट मिटाकर हर सुख से इनका आंचल भरने के लिए। किंतु एक भावी राजा बंधा हुआ है, अपने सिद्धांतों से, अपनी मर्यादा से बंधा हुआ है। एक राजा की मर्यादा आज मेरी पवित्रता का प्रमाण चाहती है। उचित है, मैं जनक नंदिनी सीता आज प्रमाण दूंगी अपनी पवित्रता का। कैसे देंगी माता प्रमाण? कौन सिद्ध करेगा माता की पवित्रता? शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। अग्नि हर मलिनता को भस्म कर देती है। मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता का प्रमाण दूंगी। यदि मेरे चरित्र पर कोई दोष हो तो मैं भस्म हो जाऊंगी। और यदि मेरा चरित्र निर्मल हो तो मैं जीवित है अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। भैया, भाभी माँ को ऐसा करने से मना कर दीजिए। प्रभु, अग्नि से कौन जीवित निकल पाया है? प्रभु प्रभु, अनर्थ हो जाएगा, रोक लीजिए माता को। मैं तो स्वयं नहीं चाहता कि मेरी सीता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, किंतु मैं एक भावी राजा की मर्यादाओं से भी बंधा हुआ हूं। स्वामी, आपका ये मौन मेरे निर्णय के लिए आपकी सहमति दर्शाता है। लक्ष्मण भाई, मेरी इस अग्नि परीक्षा के लिए चिता सजीव कर। भैया, रोके भाभी माँ को। लक्ष्मण, अपनी भाभी माँ की आज्ञा का पालन करो। लक्ष्मण भैया, और विलंब मत कीजिए। Thank you.
भैया और भाभी माँ के प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करने वाले इस अनुज के लिए उनकी इस आज्ञा को मानना किसी कष्ट परीक्षा से कम नहीं। मुझे क्षमा कर दो प्रिय, आज मर्यादा मुझसे मेरे प्रेम की परीक्षा दे रही है। जानती हूँ मैं स्वामी, मेरी अग्नि परीक्षा मुझसे कहीं अधिक आपकी परीक्षा ले रही है। मैंने तो अभी अग्नि में प्रवेश भी नहीं किया, परंतु आपके अंदर की अग्नि आपको पहले से ही तपा रही है। रावण के साथ बाहरी युद्ध की समाप्ति के बाद सबके हृदय के भीतर उमड़ती हुई भावनाओं का यह कैसा युद्ध प्रारंभ हो गया है प्रभु, जिसमें विजय प्राप्त करने के लिए सभी को अत्यंत कठिन परीक्षा देनी होगी। कितने निष्ठुर हो गए हैं भैया और भाभी माँ, और उनके समक्ष कितना विवश हो गया हूँ मैं। ये कैसी लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसी अपार पीड़ा भुगतने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है। सीताग्नि परीक्षा लाए अनल अनुज लक्ष्मण दहकाए, विवश खड़े देखे हनुमाना, मर्यादा रघु नाथ की जाना। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। देव तभी जड़बत हो देखी, कैसी घड़ी जे विधि ने लेखी, इत चले पावक वैदेही माई, उत मन अगन जले रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय बस अधूरे रैन अधूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी, जग को दुविधा से तारने वाले, टूटे हृदय को सवार वाले, आज विवश हुए सहने को दूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। I
असमंजस में उधर रघुराई बाध इधर देखो जान की माई असमंजस में उधर रघुराई बाध इधर देखो जान की माई नैना जो बरसे तो दरस को तरसे दरस को तरसे जो नैना वो बरसे तड़पत देखो मयूर मयूरी ऐसे विरह में है कठिन सबू प्रकाश प्रकाश तन तन मन मन धन से धन से मैंने अपने स्वामी को अपने हृदय में रखा पल भर के लिए अपने मन उनसे भटकने से उसी प्रकाश हे स्थिर अग्नि मैं सीता अपना पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपनी देह आज मैं आप में समाहित करती हूँ और मर्यादा का मान रखने के लिए सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है।